एक कौवा था जो अपनी जिंदगी से बहुत खुश और संतुष्ट था। एक बार वो एक तालाब पर पानी पीने रुका। वहां पर उसने सफेद रंग के पक्षी हंस को देखा। उसने सोचा, मैं बहुत काला हूं और हंस इतना सुंदर, इसलिए शायद हंस इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी हो। कौवा हंस के पास गया और बोला, तुम दुनिया के सबसे खुश प्राणी हो। हंस बोला, मैं भी यही सोचा करता था कि मैं दुनिया का सबसे खुश पक्षी हूँ, जब तक कि मैंने तूते को न देखा था। तूते को देखने के बाद मुझे लगता है कि तूता ही दुनिया का सबसे खुश पक्षी है, क्योंकि तूते के दो खूबसूरत रंग होते हैं, इसलिए वही दुनिया का सबसे खुश पक्षी होना चाहिए। कौवा तूते के पास गया और बोला, तुम ही इस दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो। तूता ने कहा, मैं पहले बहुत खुश था और सोचा करता था कि मैं ही दुनिया का सबसे खूबसूरत पक्षी हूँ, लेकिन जब से मैंने मोर को देखा है, मुझे लगता है कि वो ही दुनिया का सबसे खुश पक्षी है, क्योंकि उसके कई तरह के रंग हैं और वो मुझसे भी खूबसूरत है। कौवा चिड़ियाघर में मोर के पास गया और देखा कि सैकड़ों लोग मोर को देखने के लिए आए। कौवा मोर के पास गया और बोला, तुम दुनिया के सबसे सुंदर पक्षी हो और हजारों लोग तुम्हें देखने के लिए आते हैं, इसलिए तुम ही दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो। मोर ने कहा, मैं हमेशा सोचता था कि मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत और खुश पक्षी हूँ, लेकिन मेरी खूबसूरती के कारण मुझे यहाँ पिंजरे में कैद कर लिया गया है। मैं खुश नहीं हूँ और मैं अब ये चाहता हूँ कि काश मैं भी कौवा होता तो मैं आज आसमान में आजाद उड़ता। चिड़ियाघर में आने के बाद मुझे यही लगता है कि कौवा ही सबसे खुश पक्षी होता है। दोस्तों, जिंदगी में हमेशा खुश रहना चाहिए और सोचना चाहिए, मैं ही दुनिया का सबसे खुश आदमी हूँ। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें और एक लाइक दे दें। इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऑलवेज बी हैप्पी एंड बी मोटिवेटेड। थैंक यू।